ये जो शहर आप देख रहे हैं ये गुप्त काशी है। एग्जैक्ट गुप्त काशी में अभी हम लोग एंट्री करेंगे। आसपास के जितने भी होटल्स हैं ना इस वक्त पूरी तरह से बंद है। थोड़े बहुत यहाँ के लोकल लोग दिखाई दे रहे हैं। बाजार की दुकानें लगभग सभी बंद हैं, आप देख ही रहे होंगे। इक्का दुक्का दुकान खुली हुई है, यहाँ के लोकल लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ये रास्ता डाइवर्ट हो रहा था तिलवाड़ा के लिए, और यहाँ से घनसाली के लिए भी निकला जा सकता है। अभी हमारी गुप्तकाशी में एंट्री हुई है। आसपास के सारे होटल बंद हैं, ताले डले हुए हैं, दुकानों पर शटर डले हुए हैं, क्योंकि यात्रा इस वक्त पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जब केदारनाथ यात्रा चलती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं रोड पूरा खाली है, दुकानें सारी बंद हैं। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, वो भी वो दुकानें जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए बनाई गई हैं। होटल्स में ताले डले हुए हैं। थोड़े बहुत वाहन खड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत लोकल टैक्सी यहाँ पर अभी भी चल रही हैं, क्योंकि अगस्त्यमुनि, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग के बीच में लोकल लोगों की आवाजाही के लिए यहाँ टैक्सी चलती रहती है। यह है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी ही वो जगह है जहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू होती है। पहला हेलीपैड गुप्तकाशी में ही बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकाशी से थोड़ा और आगे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ भी वही स्थिति है, सारे होटल्स बंद हैं, रोड पूरी तरह से खाली है, दुकानें बंद हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा इस वक्त पूरी तरह से बंद हो चुकी है। साल 2022 में रिकॉर्ड तोड़ यात्री केदारनाथ यात्रा करने के लिए आए थे। अभी हम गौरीकुंड में मौजूद हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि 2022 में केदारनाथ यात्रा में यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़े लेकिन गंदगी छोड़कर चले गए। तप्तकुंड के पास अभी हम लोग मौजूद हैं। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर में इक्का दुक्का पुजारी मौजूद है। आसपास का मार्केट पूरा बंद है, होटल ढाबे सब बंद हैं। यात्रा ट्रैक पर भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। यहाँ एक कुंड है जिसमें गंदगी इस वक्त भर चुकी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो चुकी है, हम आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे, केदारनाथ मुख्य मंदिर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये जो नज़ारे देख रहे हैं ये गौरीकुंड के हैं। सब कुछ पहले जैसा है, वही बड़े बड़े झरने, वही मंदाकिनी नदी, वही ऊंचे ऊंचे पहाड़, वही हरियाली, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के इस खूबसूरत शोर के साथ कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, यात्रा ट्रैक पूरी तरह से खाली है। जहाँ मई और जून के महीने में तो जबरदस्त भीड़ यहाँ रहती थी, और मई जून ही क्यों, मई से लेके अक्टूबर तक, दीपावली तक इस साल जबरदस्त भीड़ यहाँ रही थी। ये वो तस्वीरें हैं जो केदारनाथ में हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ लोगों की डेड बॉडी को भी उठाया नहीं गया था। काफ़ी समय तक वो यहाँ पड़ी रही और जब बदबू होने लगी तब जाकर उसको उठाया गया। इसके अलावा कई लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में यात्रा करने आए, लेकिन यहाँ छोड़ गए गंदगी का अंबार। आप देख ही रहे होंगे तस्वीरों में, केदारनाथ धाम के मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर कितनी ज़्यादा गंदगी की हुई है। ये कैंप एरिया है जहां पर आप देख ही रहे होंगे कि जबरदस्त गंदगी है।
यह है केदारनाथ धाम मुख्य मंदिर। बर्फबारी से पहले का ये व्यू है। हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई नवंबर के दूसरे सप्ताह में। बर्फ की हल्की हल्की परत केदारनाथ धाम के पूरे परिसर में देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है। अनुमान ये है कि इस साल 2022 के अंत में और 2023 के शुरुआत में भारी स्नोफॉल, भारी बर्फबारी होगी। और 2023 में मई के महीने में जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तो आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा बर्फ देखने के लिए मिलेगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ जरूर बोलिएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी लगातार हो रही है। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में केदारनाथ घाटी के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बाद अब लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी चालू है। यात्रा पूरी तरह से बंद है, किसी भी श्रद्धालु को आने की परमिशन नहीं है। हालांकि मंदिर के आसपास कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, जिसमें यहाँ रहने वाले साधु संत भी हैं, जो पूरे साल सभी मौसम में केदारनाथ धाम में हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं। उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपको छोड़ जाते हैं केदार घाटी की इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, जहाँ इस वक्त भारी मात्रा में बर्फबारी हो रही है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। शिवा।